कुछ ऐसे से है जो हम लास्ट 1 ईयर पहले हम जब बताए थे वहाँ उस टाइम कुछ 80-85 रुपये भी ट्रेड कर रही थी। अभी प्रजेंट देखा कंपनी की ग्रोथ क्या है। अगर लास्ट दिन ट्रेड की बात करें वहाँ पर 5% ग्रोथ रही, लास्ट 5 दिन की ग्रोथ की बात उस पर 13% की रिटर्न दी, लास्ट 1 मंथ में 54% से आपकी, लास्ट 6 मंथ में 157% की रिटर्न दी, यानी 100 रुपये पर ट्रेड कर रही थी। लास्ट 1 ईयर में देखे है ये ऑलमोस्ट 78 यानी 80 के करीब यह ट्रेड कर रही थी। वहाँ से लेकर अभी की ये 229% के रिटर्न आती है। पहले भी बताए थे ये 10 रिटर्न देने वाला है। बैटरी सेक्टर काम करती है, अच्छा ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म विजन भी अच्छा है। जैसे ही ईवी सेक्टर का प्रचलन बढ़ेगा ये सब का भी, जितना बैटरी सेक्टर में जो जो कंपनी काम करती है वह सबका ग्रोथ होगा, क्योंकि ये पहले से बैटरी सेक्टर में एक्सपर्टीज है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है ये सब शेयर। अगर कंपनी के देखे कुछ चीज़ों पे, पहले कंपनी का नाम जाने तो कंपनी से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। कंपनी का नाम है HBL पावर सिस्टम लिमिटेड के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर कंपनी का हम ग्रोथ की बात करें यहाँ पे, फिर ग्रोथ पे देखें लास्ट 3 ईयर में यह 52% से अभव रही है। कंपनी डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और कन्वर्जिंग रेशियो की बात करें 17.25 रही है। PEG रेशियो की बात करें 0.11 है। लिक्विडिटी पोजीशन रेशियो की देखा करंट रेशियो की 3.10 है। और CFO पर नज़र डाले 3.52 है। प्रमोटर होल्डर की बात करें ऑलमोस्ट 60% प्रमोटर होल्डर है, जिसे आप लोग यहाँ पे प्रमोटर होल्डर देख सकते हैं। यहाँ पे प्रमोटर होल्डर 60% है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर की बात करिए, दोनों मिला के डोमेस्टिक और फॉरेनर की मिला के बात करें वो 3% से राउंड फिगर निकलते, बाकी वह 38% रिटेलर यहाँ पे है। अगर कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छी कर रही है, देख सकते हैं यहाँ पे 2023 की देखें तो वहाँ पे 2023 में दोनों मार्च और जून दोनों की अच्छी रही है। एनुअली ग्रोथ में देखें तो कंपनी एनुअली ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी काम कर रही है। 2021 की बात करें वहाँ पे 900 करोड़ है, 2022 की बात करें 1200 करोड़ से अब रही है। और हम अगर बात करें रेवेन्यू की बात करें उस वो भी हम आपको दिखा देंगे। और कुछ चार्ट पोजीशन की बात करें, हम नेटवर्थ की बात करें उसमें इंक्रीजमेंट कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ में की बात करें ईयर टू ईयर इंक्रीजमेंट कर रही है। रेवेन्यू भी ईयर टू ईयर इंक्रीजमेंट कर रही है। बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी के रिजर्व में देखें तो इंक्रीजमेंट की है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें, कंपनी भी हाल फिलहाल में इन्वेस्टमेंट नहीं की है। 2023 का आंकड़ा आना बाकी है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेट देगा। डिविडेंड की बात करें, कंपनी साल में यह डिविडेंड अच्छी देती है। और कंपनी की बात करिए सितंबर 2023 में यह बात करें 450% की यह डिविडेंड देने वाली है कंपनी। तो आई होप आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कंपनी साथ दोस्ती करनी चाहिए। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।